सुप्रीम कोर्ट से वकील है भानु प्रताप जी, एक बार इनसे जानते हैं। वो भी रेवाड़ी यहाँ मसाणी बैरेज के पास जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है वहाँ पे आए हुए हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे हम उनको देखते रहे हैं किस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की है। जनाब क्या कहेंगे जो ये अध्यादेश को लेकर के आंदोलन चल रहा है लगातार, रेवाड़ी में भी तीन तीन जगह आंदोलन है? नहीं देखिए, मैंने बार बार कहा है और ये आंदोलन जो तीन कानून हैं ये पूरे देश को तबाह करने वाले कानून हैं। इन कानूनों से न केवल किसान तबाह होगा बल्कि जो 82 करोड़ वो लोग जिनको खाना देने के लिए 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी कानून बनाया गया था, जिनको 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज देना था, वो 82 करोड़ गरीब लोग भी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। दूसरा, जब किसान ही अपनी ज़मीन पर मजदूर बन जाएगा और उसके बाद में गुलाम बन जाएगा, तो जो किसान से जुड़ा हुआ मजदूर है, जो खेती से जुड़ा हुआ खेतीहर मजदूर है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। साथ में जो मध्यम वर्ग है, जिन लोगों के पास में नौकरी भी है पैसा भी है, उस पर बहुत बड़ी मार पड़ेगी। कैसे? कि जो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है जिसमें वो लिमिट हटा दी गई है और कोई भी व्यापारी कितना भी स्टॉक कर सकता है, तो आप बहुत सीधा सीधा आप जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी को स्टॉक करने की पूरी छूट मिल जाती है तो अपने पैसे के दम पे मैक्सिमम जो अनाज है जो सामान है उसका स्टॉक करता है और उसको तब निकालता है जब उसकी कीमत कई गुना हो जाती है, या यूं कहा जाए कि वो उसका जो है बिल्कुल आर्टिफिशियल कृत्रिम जो है उसकी कमी जो है उसको पैदा करता है और उसके बाद में उसको निकालता है। जैसे एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण इसी सरकार के समय में जो हुआ, मोदी सरकार के में, करीब 3 साल पहली बात होगी, 2.5 से 3 साल पहली, देश में जो दाल थी वो 200 रुपये किलो बिकी। ऐसा नहीं था कि देश में दाल नहीं थी, दाल थी, और वो दाल आपको कम मिली, जब हल्ला मचा और छापे पड़े तो उन्हीं व्यापारियों के यहाँ पे देश में सरकार ने तकरीबन 8,500 टन दाल जो है वो बरामद की। तो इसका मतलब ये है कि सामान की कमी नहीं है, और वैसे भी हमारे देश में तब से लेकर अब तक, आज़ादी के बाद से अब तक, हम जो अनाज उत्पादन करते हैं वो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करते हैं। तो हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन देश गरीब है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए कुछ सरकारी नीतियां इस तरह से बनानी पड़ती हैं ताकि सभी लोगों को खाना मिल सके। उसके बावजूद भी सरकार की और प्रशासन की कमियों की वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से, कानून होते हुए भी लोगों को खाना नहीं मिलता। इसीलिए हमारे देश में आज भी 3 लाख से ज़्यादा लोग भूख से मर जाते हैं, 40 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात की सच्चाई का, ये जो कोरोना काल में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो लॉकडाउन किया, उसमें सरकार ने खुद नवंबर तक के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात खुद कही, उनको दिया। तो आप ये तो मान ही सकते हैं कि कम से कम 80 करोड़ लोग तो उस स्थिति में हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और इसीलिए वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना 2013 में, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर वो बना। तो इस कानून के आते वो सारी चीज़ें तबाह होंगी। और अब जो मैं आपको कह रहा हूँ मध्यम वर्ग, वो मध्यम वर्ग कैसे होगा? जब स्टॉक कर लिया जाएगा और महंगाई बढ़ाई जाएगी, तो जो अनाज आज 20, 25 या 30 रुपए किलो मिल रहा है, वही अनाज 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये किलो मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसके 2 उदाहरण देख के आपको मैं बताता हूँ। और वैसे भी जब कुछ लोगों के हाथ में पूरे अधिकार आ जाते हैं और उनको सारी छूट सरकार दे दे और सरकार उनके साथ में खड़ी हो जाए, तो मोनोपोली हो जाती है, मतलब वो जैसा चाहे करें। इस मोनोपोली को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कानून भी बनाए गए हैं, कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन इस सरकार ने सब वो सारी चीज़ें खत्म कर दी। आप ऐसे देखें कि जो सेब है, वो सेब जो किसानों से लिया जाता है वो मुश्किल से 20-22 रुपये किलो लिया जाता है, और आप मार्केट में सेब लेने चले जाइए, वो सेब आपको 110 रुपये से लेके 150-125 रुपये किलो तक मिल जा है। कौन है इसको बीच का जो इतना मार्जिन है, कौन खा रहा है? जैसे आप
इसका ही उदाहरण ले लें आप हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जो मैक्सिमम सेब है वो इस समय अडानी फार्म पिक के नाम से जो कंपनी है उसके साथ में उसने मिलके और वहाँ पे तीन जगह पे बहुत बड़े उसने भंडारण बनाए हैं, उन वहाँ से वो सेब लेते हैं और फार्म पिक के नाम से वो बेचते हैं। वो सेब 150 रुपये किलो बिकता है। तो आप ये जानिए कि किसान को फायदा, कोई फायदा नहीं। 150 रुपये किलो आप सेब बेच रहे हैं तो कम से कम किसान को भी फायदा होना चाहिए था। 50 रुपये किलो तो लेते उससे नहीं। अगर आपने 20 रुपये किलो लिया है तो कंज्यूमर यानी जो व्यक्ति एंड यूज करता है, जो उपभोक्ता है, जो आम आदमी है, जो सेब खा सकता है, खरीद सकता है, इस देश का गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता, लेकिन जो मध्यम वर्ग के और उससे ऊपर के जो लोग हैं जो खरीद सकते हैं उनको फायदा मिलना चाहिए था, उनको फायदा नहीं। उनको मैक्सिमम कीमत पर मिल रहा है और किसान से मिनिमम कीमत पर लिया जा रहा है और बीच का आप मान के चलिए तकरीबन 600% 700% जो मुनाफा है वो कौन ले रहा है? वो वही लोग ले रहे हैं जिन्होंने उस पर पूरी तरह कब्जा कर रखा, मोनोपोली कर रखी है। एक उदाहरण से और समझें आप, जियो का जिस समय ये फ़ोन आया जिसमें चौकीदार ने अपना फ़ोटो लगा के और उसका एडवर्टाइजमेंट किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उस समय फ्री में बांटा गया, फ्री में सबको सिम दिए गए। लेकिन आज की स्थिति क्या है? धीरे धीरे वो बढ़ी 99 रुपये, फिर 299 रुपये और आज ये है कि वो 699 रुपये पर आपको 84 दिन के लिए मिलता नहीं मिलता। सो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि जियो ने तकरीबन 40 करोड़ जो उपभोक्ता हैं मोबाइल यूज करने वाले, 40 करोड़ सिम उसके बटे हुए इस तरह से। आज उसकी मोनोपोली है, जो चाहे वो करता है, जितनी कीमत चाहे वसूल करता है और एक झटके में जितने पहले फ्री में बांटे सारी कीमत उसकी वसूल हो गई। इसका कितना गहरा प्रभाव है। अगर यही एक व्यक्ति इस पर काबिज हो गया, और आपको ये भी समझ लाना चाहिए सभी लोगों को कि सरकार की जो नीति है वो यही नीति है कि BSNL को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, साथ में MTNL भी मिला दिया गया है, दोनों को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सारा सिस्टम BSNL का है, और BSNL इस देश में कितना बड़ा उसका नेटवर्क है आप इससे समझें कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन, इन तीनों का जितना फैलाव है, इन तीनों से कहीं ज़्यादा अकेले BSNL का फैलाव है। और BSNL को इसीलिए तबाह किया गया है कि ये सारा जियो को दे दिया जाए। इसकी कीमत कितनी है? 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसकी वर्थ है BSNL की, जिसे फ्री में कौड़ियों के दाम इसको अंबानी को देने की तैयारी हो रही है। तो एक व्यक्ति की जब मोनोपोली हो जाएगी, जो चाहेगा वो कीमत वसूल करेगा। ठीक इसी तरह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जैसे उसमें उन्होंने बदलाव किए हैं, उसके बाद इस देश में चंद लोगों का हाथ उस कब्जा होगा और फिर वही अनाज आपको 3 गुना 4 गुना 5 गुना कीमत पर मिलेगा। आप इसको ऐसे भी समझें, आप थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आएगी। केवल कानून आने के बाद नहीं, अगर आप पूरी हिस्ट्री में जाएं, क्योंकि जांच पड़ताल करने से पता लगती है, पीछे अगर चले जाएं, जब से मोदी सरकार आई है, पहला टर्म जो था 2014, अंबानी और अडानी तभी से लगातार काम कर रहे हैं। इनके जो बड़े बड़े साइलो हैं यानी जो भंडार गृह हैं, ये तभी से उसकी योजना बन रही है, तभी से लगातार बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कानून कैसे लाया जाएगा, उनके पक्ष में कैसे काम किया जाएगा, ये सरकार ने पहले ही सोच रखा, आम जनता को पता नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने ये गोदाम बनाए हैं। और एक और बड़ी मज़ेदार बात आप देखें कि अडानी को बिहार में जो FCI की जगह है, 60 एकड़ के लगभग उनके पास जगह, उसमें से 20 एकड़ जगह उसे दे दी गई है अडानी को। और यहाँ तक किया गया है कि 30 साल के लिए, अगले 30 साल के लिए उसे जो कीमत एक निश्चित की गई है वो भी लगातार दी जाएगी, उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर दी है। और ये भी व्यवस्था कर दी है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी यानी मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इसी तरह से उसको जो दिया जाने वाला पैसा है वो भी बढ़ेगा। मतलब जमीन किसकी? FCI की, मतलब देश के लोगों की, टैक्स पेयर का, आप हम सब का जो पैसा है उसकी वो जमीन है। वो जमीन 20 एकड़ उसे दे देगी, उसमें उसने गोदाम बना लिया, उसके भी हम उसे पैसे दे रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब है BJP ने और मोदी सरकार ने बहुत पहले से ही ये सारी चीज़ें षड्यंत्र करके बहुत व्यवस्थित तरीके से ये काम किया है। अगर ये सब चलता रहा तो जैसे मैंने आपको कहा
इस देश की तकरीबन 110 करोड़ से लेकर 120 करोड़ आबादी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और अपने ही देश में, अपने ही धरती पर गुलाम बन जाएगी। ये ऐसा कानून है, ये केवल किसानों की बर्बादी का कानून नहीं है, तो लोगों को समझना जरूरी है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है हमने जो कानून बनाया अच्छा है, विपक्ष इसको भड़का रहा है, विपक्ष किसान, और इसमें किसान कहीं है नहीं। नहीं, आप एक चीज देखें, आप वो विपक्ष भड़का रहा है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस विपक्ष की मौत हो चुकी है, मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूंगा, वो विपक्ष भड़का रहा है, वो नहीं भड़का रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ये तो बताते हैं ये कानून किसानों के लिए भला है, लेकिन कानून क्या है आप उसे नहीं बताते। आप बताना, आपको कानून चाहिए ना, आप बताओ एक एक बार कि भाई आप जिस कानून का विरोध कर रहे हो उस कानून की धारा इतने में ये कहा गया है, धारा इतने में ये कहा गया है, धारा इतने में ये कहा गया है, ये आपके भले के लिए है, इससे आपका इतना भला होगा, ऐसे देश की भी स्थिति बदल जाए, वो तो नहीं बता रहे। केवल ये कहने से कि कानून भला है बात नहीं बनती। आपको चाहिए ये कि जब पूरा देश आपके विरोध में है और आप कानून को बढ़िया कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को एक काम करना चाहिए, मैंने कई बार कहा है, फिर कहता हूं आपके माध्यम से, कि इस देश का जो कानून आपने जो बनाया हुआ है, ये तीनों कानून, ये मात्र 23 पेज के हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है वो 25 धाराएं हैं उसमें, और मुश्किल से 15 धाराएं काम की हैं, बाकी सब बेकार हैं। उन 15 धाराएं सहित पूरे कानून को 11 पेज का है, और इसके अलावा जो आपका निजी मंडियां स्थापित करने का है उसमें 20 धाराएं हैं, 10 पेज का कानून है, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आपने संशोधन किया वो तो मात्र 1.5 पेज का ही है, सेक्शन 3 में जो आपने किया। इन सबको जैसे प्रधानमंत्री की मन की बात का प्रोग्राम जो हर महीने के आखिरी इतवार को आता है, देश की सभी भाषाओं में उसका अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है, क्या नहीं चाहिए प्रधानमंत्री को इतने बड़े कानून जिनका इतना विरोध हो रहा है, जमीन पर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और पूरे देश में विरोध हो रहा है, हर तबका विरोध कर रहा है, हर तबका इस आंदोलन में साथ देता चला जा रहा है, उन कानूनों का इन सभी भाषाओं में अनुवाद करा के आप घर घर तक पहुंचा दें, तभी मानेगा। अब मेरा एक सवाल है कि जब पीएम मोदी की बात पूरा देश मानता है, 8 बजे आकर के नोट बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, क्या तमाम उनके जो 300 कुछ सांसद है क्या वो समझा नहीं पा रहे हैं क्या लोगों को जाकर के, भाई इस कानून के अंदर इतनी खूबियां हैं, भाई घर घर जाके समझा सकते, 4 घंटे की आवाज पर वो लोग रैली कर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको समझाना चाहिए आकर के? नहीं देखिए, उन्होंने तो एक बात कही, आप इसको दो तरह से मैं आपको बताऊंगा, एक तो उन्होंने कहा कि इन कानूनों को समझाने के लिए इनके समर्थन में वो 700 रैलियां करेंगे और 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहली रैली करी करनाल में हुई थी, अभी जो हुई थी, जो जहां खट्टर को आना था हो गई ना, और उसके बाद में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि भाई कानून के पक्ष में रैली न करें, हो गई हवा खराब, निकल गई सारी हैंकड़ी, अभी तो एक ही सभा हुई, इसी में निकल गया सब। ये जो नौटंकी करते हैं, दूसरी बात, जिन सांसदों की बात कर रहे हो वो तो गुलाम है सारे के सारे। क्यों गुलाम है मैं बताता हूँ, वो सांसद अपने आप से जीत के नहीं है, उनकी औकात नहीं है, वो सांसद मोदी जी जिता के लाए हैं, अमित शाह जिता के लाए हैं, और ईवीएम में गड़बड़ी करके, बेईमानी करके वोटों को, जनता की वोटों को लूट कर जिता के लाए हैं। अगर उनमें हिम्मत है, और मैंने हर बार हर मंच से चैलेंज किया है, अगर तुम कहते हो कि तुम्हें 50 से लेकर 60% वोट मिली है, मोदी जी की जो ख्याति है वो 70% से ज़्यादा, बिहार चुनाव से पहले आपने देखा होगा 72% बताएगी, आपकी इतनी प्रसिद्धि है, आपको इतना मानते हैं लोग, और आपके पास में 50 से 60% वोट हैं, तो एक बार ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बीजेपी और आरएसएस को इनकी औकात पता लग जाएगी, इनकी सारी जो चौकड़ी है, इनके सारे जो साथी हैं, वो सारे भी मिलकर अगर 100 का आंकड़ा भी पार कर जाए नहीं कर सकते, ये स्थिति है इनकी। और आज की तारीख में तो देश इनके बहुत जबरदस्त विरोध में है, क्योंकि देश को बर्बाद करने का कानून लेके आए हैं, और ये समझे या ना समझे, क्योंकि मोदी जी तो अनपढ़ आदमी है, तो उन्होंने जिन्हें जो भी जिनको कहा होगा भैया बनाओ, क्योंकि वो तो गुलामी कर रहे हैं,
अंबानी और अडानी की गुलामी कर रहे मोदी जी तबीयत से, तो उनके हिसाब से जो कानून बनाया मोदी जी ने उसमें गुग्गी मार दी, चल भाई आगे को बढ़ाई से है नहीं है। और राष्ट्रपति भी गुलाम है, तो राष्ट्रपति ने भी संसद में आगे गुग्गी मार दी, उसने बात काम खत्म कर दिया। लेकिन आरती कहते हैं टैक्स तो वही लोग देते हैं सबसे, कौन टैक्स देते हैं? करोड़पति ही तो टैक्स दे रहे, सरकार तो वही चला, कौन देते हैं? कौन दे रहे टैक्स? आप नहीं देते, ये सब लोग टैक्स नहीं देते। ये जितना सामान इस देश में बिकता है, हर व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति टैक्स देता है। ये जो पेट्रोल पर डीजल पे जो पैसे बढ़ाए गए हैं, जो डीजल आज की तारीख में 74 रुपए बिक रहा है, और मोदी जी की पहली सरकार आने से पहले यानी 2014 से पहले वही डीजल 40 रुपए 38 रुपए बिकता था, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम होने पर, बहुत कम है, क्योंकि जिस समय बिकता था 38 रुपए 40 रुपए और पेट्रोल बिकता था 72 रुपए, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक समय $148 प्रति बैरल का रेट था, और आज है $50 प्रति बैरल। और वो भी आप उसे अगर ढंग से कैलकुलेट करें तो रुपए की कीमत घट गई, ये भी स्थिति हुई है, तो और महंगाई बढ़ गई। अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो मुश्किल से $30 प्रति बैरल ही आज एक्चुअल में उसका दाम है। अब उसमें भी आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, और हम समझ गए भानु जी, हम समझ गए एडवोकेट साहब, माना लोग फिर उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे। लेकिन एक मेरा सवाल है, आप तो स्वयं वकील है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी में जिन सदस्यों को लिया वो सदस्य इस्तीफा देकर के जा रहे हैं, मान ने इस्तीफा दे दिया, इधर जो जिनके साथ हरियाणा में सरकार है जेजेपी, उनका विधायक इस्तीफा देता है, किस रूम में देखते हैं ये एडवोकेट? नहीं देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि देश में न्याय करने वाली अदालतें अब नहीं है। अगर वाकई में न्याय होता तो न्याय का एक तरीका है कि किसी बात को, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का काम था ये जो कानून हैं इन कानूनों की संवैधानिक वैधता को देखना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है उसको देखना, बिचौलिए का काम करना कोर्ट का काम नहीं है, न्याय करना कोर्ट का काम है। तो उसे देखना था कि क्या केंद्र सरकार ने ये जो कानून बनाए हैं ये संविधान के सम्मत हैं, क्या उसको इन कानूनों को बनाने का अधिकार है, या संविधान को खत्म करके और जो राज्य का अधिकार है उसको जबरदस्ती छीन के कानून बनाए गए हैं, और क्या ये कानून वाकई में देशहित में है, यही देखना सुप्रीम कोर्ट का काम था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बिचौलिया की भूमिका निभा रही है, और उसने जिन लोगों की, चार लोगों की कमेटी बनाई, उस कमेटी में चारों के चारों लोग वो हैं जो सरकार के इन कानूनों को सही कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खुली बाजार व्यवस्था है उसको समर्थन कर रहे हैं। और ये लोग केवल एक बार नहीं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बार बार सरकार के इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। तो न्याय क्या कहता है? न्याय ये कहता है ना इस पक्ष का हो ना इस पक्ष का हो, जो व्यक्ति किसी पक्ष का ना हो उसे पंच बनाओ, और साथ में वो उस विषय को भी जानता हो। ये हो सकता है ये लोग कृषि के विषय में जानते हों, एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कानून का जानकार नहीं है, जो चारों के चारों बनाए गए हैं, तो कानून का जानकार नहीं है, और सारे एक पक्षी हैं, निष्पक्ष कोई नहीं है, तो क्या आप मानते हैं जो सरकार कह रही है उससे अलग कुछ होगा? और ये चीज़ और गंभीर हो जाती है उस समय, किसानों का स्टैंड क्या है, ये तीनों कानून वापस हों और MSP को कानून बनाया जाए। एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा, आप आधा मिनट के लिए समय दें, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाते समय कहा, उसने कहा कि ये हमें सलाह देगी, हमें बताएगी, और क्या लिखा है उसमें, हमें बताएगी कि इन कानूनों में से किन प्रावधानों को हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप संशोधन की बात कर रहे हैं, यही बात तो सरकार कर रही है, तो फिर आप में और सरकार में अंतर क्या रह गया? इसका मतलब ये माना जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का ही एक इंस्ट्रूमेंट है, सरकार के साथ में खड़ी है, सरकार के लिए काम कर रही है, न्याय से उसका कोई लेना देना नहीं है? जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बच्चे भी हैं वहाँ पे, बूढ़े भी हैं और महिलाएं भी हैं, उनको चला जाना चाहिए, तो फिर अगर आपको इतना दर्द है और ये आंसू आप बहा रहे हो, और हम जानते हैं कि मगरमच्छ के आंसू घड़ियालू आंसू हैं, तो फिर आप इस मामले को फाइनली डिसाइड क्यों नहीं करते कि क्या इनकी संवैधानिक वैधता है या नहीं है? चलिए हमारा एक अंतिम सवाल है, 2014 में मोदी जी पे लोगों ने विश्वास किया, 2019 में पुनः सरकार बना दी बढ़ करके, इतना विश्वास था, लेकिन ये चंद दिनों में ही अविश्वास क्यों सरकार पर होने लगा, क्यों मोदी सरकार अविश्वसनीय हो गई, इस पे आपकी क्या टिप्पणी? देखिए 2019 में लोगों का विश्वास नहीं था,
ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको बताया और मैं आपको समय लगेगा कम से कम आधा घंटा, मैं आपके पूरे प्रमाण सहित सबूतों सहित ये बात आपको सिद्ध कर दूंगा कि 2019 का चुनाव बीजेपी ने ईवीएम में जबरदस्ती धांधली करके वोट लूट के सरकार बनाई है। इसीलिए मैंने कहा कि वो 300 जो सांसद जिनकी बात कर रहे हो वो गुलाम है, क्योंकि अपनी उससे नहीं जीते हैं, उनको मोदी जी जिता के लेके आए हैं ईवीएम में घोटाला करके। तो ये जो सरकार है 2019 में कोई विश्वास नहीं है। मैं फिर इस बात को बार बार कहता हूं, अगर आपके पास है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, आपको औकात पता लग जाएगी कि जनता किसके साथ में है, आपके साथ में है या कुछ और चाहती है, आपको पता लग जाएगी। फिर विपक्ष क्यों डरा हुआ है, विपक्ष क्यों नहीं सड़कों पे उतरता जिस तरीके से बीजेपी छोटी छोटी चीजों के लिए आंदोलन करती थी, आज विपक्ष क्यों नहीं करता उसी तरीके से, उरी अवेज में क्यों नहीं करता, क्यों नहीं संगठन को मजबूत करता, क्यों नहीं सड़कों पे उतरता जैसे नंग धड़ंग होकर के ये लोग उतरते थे। मैं तो देखिए यही कह सकता हूँ, क्योंकि नहीं उतर रहे हैं तो उसके तो कई कारण हो सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, पर मैं तो इसी बात से खत्म कर देता हूँ बात। इस देश का विपक्ष मर चुका है, खत्म हो चुका है, और इस देश की जनता को भी जान लेना चाहिए कि जो सरकार है वो लुटेरी है, देश को तबाह और बर्बाद करने वाली है, और विपक्ष अपनी मौत मर चुका है। इसलिए आज की तारीख में जनता ही विपक्ष है, ये जनता की ही लड़ाई है, जनता को ही लड़नी है और इस देश को ठीक करना है, तभी कुछ बनेगा, मैं इससे ज्यादा कुछ। लेकिन एक और चीज होती है, जब से बीजेपी सरकार आई है हर चीज दो धड़े में बट गई, आपके एडवोकेट भी देखिए दो धड़े में बट गए, मीडिया दो धड़े में बट गया, यानी कि आंदोलनकारी दो धड़े में बट गए, उसको किस रूप में आप देखते हैं? जो भी चीज अगर आती है एक कोई विरोध करता है उसके पक्ष में दूसरा खड़ा हो जाता है, तो इसको किस मुझे एक बात बताओ ना, मैं इसका मुझे एक बात बताओ, आप किस अखाड़े में एक ही आदमी लड़ेगा, किससे लड़ने वाला तो होना चाहिए कोई, बस लड़ने के लिए कम से कम एक तो होना चाहिए, तो जब दो धड़े होंगे तभी तो लड़ाई का मजा आएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना ये है आपको, ये दोनों को देखना है, जो लोग इस देश को बचाने के लिए खड़े हैं एक तरफ वो हैं, और एक तरफ वो हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं उनके साथ में खड़े हैं। तो हर व्यक्ति को आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या तुम देश के साथ में हो या एक व्यक्ति विशेष के साथ में हो, क्या तुम्हारा लेना देना देश से और देश की जनता से है, या आपका लेना देना चमचागिरी से, गुलामी से, अंधभक्ति से और एक व्यक्ति की चापलूसी करने से ही लोगों को देखना चाहिए। चलिए अंतिम सवाल आपसे करते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, देश का स्टीम मीडिया रहता है, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया? घोधी मीडिया है, वो तो गुलाम मीडिया है, दलाल मीडिया है, उसकी क्या बात करनी, खत्म हो गया वो, जो अपना धर्मता भूल चुका है और वो सिवाय तलवे चाटने के, मोदी जी के और बीजेपी सरकार के तलवे चाटने के अलावा कुछ नहीं कर रहा, उसकी बात करना भी अब बेकार है। आपने देखा नहीं, कोई भविष्य नहीं है, आपका भविष्य है, जो आप सोशल मीडिया के साथी हैं, आपने उस नेशनल मीडिया जिसको कहते हैं वो खत्म हो गया, उसकी जगह आप ले चुके हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया देश की जनता की बात को, उनके दर्द को, सच्चाई को लोगों के साथ में ला रहे हैं और दुनिया भर में आपकी आवाज़ जा रही है, तो मीडिया आज आप हैं। उस मीडिया की बात कर रहे हो जो गोस्वामी, जो अर्णब गोस्वामी, देखा ना उसकी जो चैट जो है, व्हाट्सएप चैट जो निकाली गई है और उसमें किस तरह की बात हो रही है कि जो पुलवामा पे हमला होने वाला था उसकी पहले ही खबर थी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको हमले की पहले खबर है स्थिति कितनी गंभीर है, यानी मतलब इसका मतलब साफ जाहिर है कि हमला करवाने में कौन शामिल है लोगों को समझ जाना चाहिए। और मैंने बहुत पहले जिस समय वो 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था, मैंने उसके 3 दिन बाद ही कहा गया था ये सारा का सारा हमला बीजेपी द्वारा कराया गया, प्लांड है इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, और इसीलिए जो 1.5 साल में जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें कुछ नहीं निकला, और हमारे जो 44 जवान शहीद हुए, आप उनके परिवारों को देखो, उन लोगों के घरों में जाके देखो, सरकार झांकने को तैयार नहीं है। जिसका जाता है ना, जिसके घर में मौत होती है उससे देखो, वो जो हमारे 44 शहीद हैं आज उनका परिवार कैसे जी रहा, किसी को कोई लेना देना नहीं, सरकार को कोई लेना देना। साहब एक और चीज, ये अध्यादेश में जो जो खामियां हैं, किसान क्यों नहीं, खुद किसान तो ग्रामीण क्षेत्रों से आता है, जिन आड़तियों को फसलें ये बेचते हैं वो आड़ती भी है इनके साथ नहीं खड़े, तो नहीं लगता इनको समझाना चाहिए जाकर के भाई ऐसा इनमें ये खामियां हैं? देखिए तरीका समर्थन का कई तरीका होता है, कुछ लोग आगे आके लड़ते हैं, कुछ लोग पीछे से समर्थन करते हैं, वो समर्थन कई तरह का है, कोई सब्जी से मदद करता है, कोई अनाज से मदद करता है, किसी ने आटा भिजवा दिया, किसी ने पानी भिजवा दिया, किसी ने चावल भिजवा दिए, किसी ने तेल भिजवा दिया, किसी ने पैसा दे दिया। जैसे आप देखें सेना होती है फ्रंट पर, वो लड़ती है, तो क्या आप कहेंगे कि जो देश में रहने वाले लोग हैं उनके साथ में नहीं, ना सब साथ में,
क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो हर चीज़ की जो है मदद करेंगे। आपका ध्यान है एक बार जब हमला जब लड़ाई चल रही थी उस दौरान पब्लिक से मांगा गया था कि पैसा नहीं है दो, तो लोगों ने अपने जेवर तक दे दिए थे, नहीं दिए थे। तो समर्थन कई तरीके से होता है, अब समझने की बात है। अगर आप ये समझो कि एक व्यक्ति यहाँ आके ही समर्थन करेगा तभी कोई समर्थन है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत संकुचित दायरा है देखने का और सोचने का। जितने भी आढ़ती हैं, जितने भी छोटे व्यापारी हैं, सब हमारे साथ में हैं। मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूँ, बहुत ज्वलंत उदाहरण। MSME के विषय में जानते हैं आप, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी लघु और कुटीर उद्योग। इनके साथी अब से 15 दिन पहले हमारे साथ में आए थे, क्योंकि जैसे किसानों को तबाह किया है मोदी सरकार ने, इसी तरह से MSME सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और आप जानते हैं MSME सेक्टर में 6.5 करोड़ MSME सेक्टर की यूनिट्स में हैं लोग, उससे जुड़े हैं। किसान 14.64 करोड़ सरकारी हिसाब से, और 6.5 करोड़ MSME के लोग हैं। उन MSME के लोगों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उन MSME के लोगों को जो पहले अगर वो किस्त नहीं चुका पाते थे, और इस समय तो कोरोना की मार रही, लॉकडाउन रहा, तो सरकार को निश्चित रूप से थोड़ा सा नरम होना था, फ्लेक्सिबल होना था। पर अभी ये कानून बना दिया गया कि जो किस्त नहीं दे रहे हैं, पहले 1 साल तक इंतजार होता था तब NPA उसका होता था, आज की तारीख में 3 महीने में ही उनका अकाउंट NPA डिक्लेयर कर दिया जाता अगर किस्त नहीं चुकाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर जाती है। और उनको जो 20 लाख करोड़ का झुंझुना कोरोना काल में कोरोना की मदद के लिए सरकार ने दिया था लोगों को, और मुश्किल से 1.25 लाख करोड़ ही उसमें एक्चुअल में था, उसमें 3,60,000 करोड़ इन MSME को भी लोन की बात कही है। अरे लोन तो जब लेंगे कि जब फैक्ट्री चलेंगी, दूसरा जो लोन ऑलरेडी है उनके पास में वही पटाएं वो उसी को, और वो पटाएंगे कैसे कि जब फैक्ट्री चलेंगी, काम होगा, माल बिकेगा, तो ही तो पटाएंगे, वो भी नहीं हो रहा। वही MSME के 6.5 करोड़ लोग, अब मैं आपकी उस बात पे आ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि लोग समर्थन नहीं करें, वही MSME के 6.5 करोड़ लोग, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है, और 15 दिन पहले सिंगो बॉर्डर पर आए थे वो, और कल जो गाजीपुर बॉर्डर पे है मेरे साथ आके उन्होंने बाकायदा लेटर देके पूरे MSME सेक्टर के लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। तो आप क्या कह रहे हैं कि 6.5 करोड़ लोग अगर आपको सपोर्ट करें तो ये सपोर्ट नहीं है, ये इसी तरह ये आंदोलन लंबा खींच रहा है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं, टूटेगा या बढ़ेगा ये? नहीं, टूटने का मतलब नहीं है, अगर डिवाइड एंड रूल की, अरे सर वो चले गए लोग डिवाइड करने वाले, अब वो अपना घर संभाले, वो वही डिवाइड होने वाले हैं। अब हकीकत ये है, ये आंदोलन ना तो टूटेगा ना रुकेगा, और ना ही इस आंदोलन का कोई भी एक साथी एक बाल बराबर जमीन भी पीछे हटेगा, कोई भी नहीं हटेगा। और जैसे आगे चलेगा ये आंदोलन जितना मजबूत आद है इससे कई गुना मजबूत होगा। और आपको बता दूं, आप टूटने की बात करो, बेहतर है मोदी जी को सलाह दे रहा हूं, झुक जाएं, अपनी गलती मांग लें, किसानों के बीच में आके कहें मेरे से गलती हो गई और कानून में वापस लेता हूं, और आपका जो है वो तो नहीं संसद वही लेंगे। मैं वही कह रहा हूं आपको, उनके तो तमाम पार्टी के लोगों ने कह दिया सिर्फ आप मोदी विरोधी हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं, इसलिए सारा ये सब कुछ हो रहा है। नहीं भैया, जब प्रधानमंत्री तुम्हारा वो है तो टारगेट किसको करेंगे भाई? प्रधानमंत्री को करेंगे और किसको टारगेट करेंगे? वो तुम्हारा मुखिया है, और केवल उसका नहीं है, केवल उसको ही, उसके साथ साथ में पूरी BJP का और RSS का। और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, जितनी जल्दी माफ़ी मांग लें और कानून वापस ले लें उनके लिए बढ़िया, नहीं तो जैसे लंबे चलेगा मोदी सरकार को ही नहीं इस देश से BJP को भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और RSS का भी अंत समय आने वाला है, ध्यान रखा जाएगा। 26 तारीख का अल्टीमेटम किसानों ने दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, किस रूप में देखते हो? बहुत सही बात है, हमने आपने पढ़ी नहीं, प्रेस रिलीज पढ़ते नहीं है, हमारी जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति के जो प्रेस रिलीज है बहुत साफ कहा है, गणतंत्र दिवस है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम राजपथ पर होता है उसके होने के बाद हम लोग परेड करेंगे, तो उसके होने के बाद किसी को भी अधिकार है करने का, लेकिन तो हम वही परेड कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत का एक बयान आया है, बोला ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अब हमको हटाने की कोशिश करेंगे, गोलियां चलेंगी, कई सारे किसान मारे जाएंगे, क्या किस तरीके से देखते? देखिए ऐसा है, ये राकेश टिकैत जी ने एक संभावना व्यक्त की है, हो सकता है सरकार ये सारे बहाने ढूंढ रही है, जैसे खालिस्तान का जो नारा दिया रहा है, ये एक उस भूमिका को बनाने की कोशिश है कि कल जब आप इन पे हमला करेंगे तो आप कहेंगे किसान नहीं थे, ये तो खालिस्तानी है, ये देश को तोड़ने की बात करें, BJP यही तो करती है, ये देशभक्ति का नारा, राष्ट्रवाद का नारा यही तो करती है,
ये उसकी भूमिका है, और जो गोदी मीडिया है ये उसको उसी तरह से हवा दे रहा और दिखा क्या रहा है, केवल एक दो लेटर दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा कि आंदोलन में कौन है। तुम आंदोलन में यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी पांचों बॉर्डर हैं, जिन पर सिंगू बॉर्डर पर 25-30 किलोमीटर तक के लोग बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पर 20 किलोमीटर तक के लोग बैठे हैं, और ये राजस्थान बॉर्डर आपके सामने है, और आप चले जाइए वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर कम से कम 6 किलोमीटर तक के लोग बैठे हैं, इसी तरह से नोएडा वाला जो है जो चिल्ला बॉर्डर है, आप सब जगह जाके देखिए, सभी लोगों से बात कीजिए, बात आप एक व्यक्ति की भी नहीं दिखा रहे, एक व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं दिखा रहे, एक व्यक्ति की ऐसी गतिविधि नहीं दिखा रहे, और आप खालिस्तानी कह रहे हो, तो आप वो भूमिका बना रहे हो कि कल जब आप ताकत के दम पर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करो तो आपके पास कोई भूमिका हो, कोई कारण हो। और सुप्रीम कोर्ट को भी आपने लपेट लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि अगर खालिस्तान की बात है तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दो आप और एफिडेविट दो, उसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जिसे कई बार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है, आज उसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मांग रही है। और जिन्हें आप खालिस्तानी कह रहे हो, जिन्हें आप जो है पाकिस्तानी समर्थक कह रहे हो, उनकी सेवा भाव इसी आंदोलन में देख लो, और दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया की बात करूं मैं, इस देश की तो छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी हिस्से में कोई भी आपदा होती है, यही लोग जिन्हें आप खालिस्तान कह रहे हो, हमारे सिख समाज के भाई, ये गुरुद्वारे, यही सबसे पहले वहां जाके सेवा करने के लिए लंगर लगाते हैं, सामान पहुंचाते हैं, कपड़ा पहुंचाते हैं, दवाइयां पहुंचाते हैं। आज अभी दिल्ली में ये कोरोना काल में, जब तक कोरोना काल चला, 2 लाख लोगों को इन्हीं गुरुद्वारों ने सरकार के कहने पर खाना रोज खिलाया, 2 लाख लोगों को रोज, ऐसा नहीं टोटल 2 लाख लोगों को रोज। और यही नहीं, जो ये सीआरपीएफ वाले, जो आपके ये फौजी लगा रखे हैं अर्धसैनिक बल, इनको भी सरकार खाना नहीं दे सकी, इनको भी गुरुद्वारों के माध्यम से ही खाना पहुंचता था, उस सरकार की बात करो, इन्हें खालिस्तानी कर रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मानवता की सेवा बिना किसी जाति और धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव और छोटे बड़े के भेदभाव के ये सेवा करते हैं, उसका कोई मुकाबला इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें ना कह रहे हो। अंत में हम सवाल करते हैं, ये आंदोलन सरकार के गले की फांस बन गया, ये आंदोलन सरकार के गले की फांस है। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 सवाल से आप आखिरी सवाल अंत में पूछ रहे हो, बंद हो गए बताओ, क्योंकि भानु प्रताप जी बोलते हैं बेबाक, इसलिए ये आंदोलन जब तक चलेगा, बिना रुके बिना झुके चलेगा, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक बिना रुके चलेगा। सुना आपने, ये जो भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट के वकील, सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है, आंदोलन चलेगा और तीनों अध्यादेश वापस लेने ही पड़ेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।